हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम रीज फिशर थ्योरम के प्रूफ को समझेंगे। जैसा कि इस थ्योरम का नेम सजेस्ट कर रहा है, इस थ्योरम को हंगेरियन मैथमेटिशियन रीज और ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन फिशर ने इस थ्योरम को सबसे पहले प्रूव किया था। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, एलपी स्पेस इज कम्प्लीट। एलपी स्पेस को पिछले वीडियो में हम विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म फंक्शन नॉर्म लिनियर स्पेस प्रूव करके आ चुके हैं, और ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम के प्रूफ को अच्छे से समझने के लिए एक बार हम इस थ्योरम के प्रूफ की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम के प्रूफ को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। हम एलपी स्पेस के पॉइंट्स की एक कॉसी सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे। एफ एन इज कॉसी सीक्वेंस। जैसा कि हमें स्पेस को कंप्लीट स्पेस प्रूव करना है, तो हमें इस कॉसी सीक्वेंस को शो करना पड़ेगा कि ये एलपी स्पेस के किसी एलिमेंट एफ को कन्वर्स करती है। तो इस एफ की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्हीं स्टेप्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने एफ एन कोई एलपी स्पेस की कॉसी सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे, और कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करके हम इस कॉसी सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एफ एन की। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में हम केवल यही काम करेंगे, हम कॉसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में, प्रूफ के सेकंड पार्ट में हम एक नई सीक्वेंस डिफाइन करेंगे जी के, जो कि सब सीक्वेंस के फंक्शंस की हेल्प से डिफाइन होगी। वो होगी एफ एन आई प्लस वन माइनस एफ एन आई मॉडुलस आई फ्रॉम वन टू की। और हम इसी स्टेप में एक जी फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे, जो कि इस फाइनाइट समेशन को ही इनफाइनाइट समेशन में कन्वर्ट करके हम डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में हम एफ एन के सब सीक्वेंस की हेल्प से जी के फंक्शन डिफाइन करेंगे और इस जी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और हम सेकंड स्टेप में ही ये बात शो करेंगे कि जो जी के सीक्वेंस है, इसके एलिमेंट्स की जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू वन है। थर्ड स्टेप में हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम जी फंक्शन को फाइनाइट प्रूव करेंगे। जी फंक्शन इज फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जी फंक्शन एक बार अगर फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रूव हो जाता है तो, और जी के सीक्वेंस अगर जी को पॉइंट वाइज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, तो ये सिंपली कन्वर्ज भी करेगी। जो जी के सीक्वेंस हमने डिफाइन की है, इसके अंदर हम कुछ मैनिपुलेशन करके ये बात प्रूव करेंगे कि अगर जी के सीक्वेंस जी को कन्वर्ज करती है, तो जी के सीक्वेंस की जब टर्म्स का आप मॉडुलस हटाकर जो नई सीक्वेंस बनाओगे, वो सीक्वेंस एफ एन के बनेगी, जो कि एफ एन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस होगी, और ये एफ एन के सीक्वेंस भी किसी फंक्शन एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। और लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम इस बात को शो करेंगे जो ये एफ एफ एन के सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट आई है, यही पॉइंट वाइज लिमिट एल पी स्पेस से बिलोंग करती है, और एफ एन सीक्वेंस इफ एफ को एल पी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करती है। तो फ्रेंड्स, ये इस थ्योरम के प्रूफ की आउटलाइन है, और हमने इस प्रूफ को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कॉसी सीक्वेंस की हेल्प से सब सीक्वेंस की कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम जी के सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और एक जी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। थर्ड स्टेप में हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके इस जी फंक्शन को फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रूव करेंगे। और थर्ड स्टेप में ही हम ये शो करेंगे कि जो एफ एन के सीक्वेंस है, वो किसी एफ फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। और लास्ट स्टेप में हम इस बात को शो करेंगे कि जो एफ फंक्शन है वो एलपी स्पेस से बिलोंग करता है, और ये कॉसी सीक्वेंस एफ एन सीक्वेंस इस एफ फंक्शन को एलपी स्पेस में कन्वर्ज करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने एफ एन कोई कॉसी सीक्वेंस को कंसीडर किया, और अब हम इस कॉसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के लिए डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, जो कि कॉसी सीक्वेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ए एप्सिलॉन को 1/2 पुट करते हैं। तो जैसा कि हमने एफ एन को कॉसी सीक्वेंस कंसिडर किया है,
तो इस एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। वो पॉजिटिव इंटीजर हमने एन वन अज्यूम कर लिया, जो कि कोसी सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कोसी सीक्वेंस की कंडीशन है एफ एन माइनस एफ एम का पीटीएच नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमने पर्टिकुलरली चूज किया 1/2 फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन वन। तो फ्रेंड्स, जो ये हमें स्टेज मिली है एन वन, इसी को हम पिक कर लेते हैं। जैसा कि एफ एन कोसी सीक्वेंस है, तो आप एफ एन सीक्वेंस की टर्म्स को लिखोगे तो फर्स्ट इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो एफ वन होगा, सेकेंड फंक्शन एफ टू होगा, थर्ड फंक्शन एफ थ्री होगा, और किसी ना किसी स्टेज के ऊपर एफ एन वन फंक्शन भी होगा। तो हमने इस एफ एन वन फंक्शन को ही फर्स्ट पिक कर लिया। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 के कोरस्पोंडिंग हमने कोसी सीक्वेंस की एन वन नंबर पर जो टर्म है उसको पिक कर लिया, उस फंक्शन को हमने पिक कर लिया। अब हम एप्सिलॉन को चेंज करते हैं, एप्सिलॉन को अब हम 1/2 स्क्वायर पुट करते हैं। तो जैसा कि एफ एन कोसी सीक्वेंस है, तो इस एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर एन टू है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ एन माइनस एफ एम का पीटीएच नॉर्म लेस देन 1/2 स्क्वायर फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन ओ एन टू। और फ्रेंड्स, एन टू हमने इस हिसाब से चूज किया है कि जो एन टू है वो स्ट्रिक्टली एन वन से बड़ा हो। तो एन टू, जैसा कि एन वन इस सीक्वेंस की एन वन वाली जो टर्म थी एफ एन वन, उसको हमने चूज कर लिया। तो एन टू इस सीक्वेंस के बाद में कोई तो जो टर्म होगी उस फंक्शन को हम पिक कर लेते हैं। तो एफ एन वन के बाद हमने एफ एन टू को पिक किया है, और ये एन टू पॉजिटिव इंटीजर हमें एप्सिलॉन इजिकल टू 1/2 स्केयर के कोरस्पॉन्डिंग हमें ऑब्टेन हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि जो हम सब सीक्वेंस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो डिफरेंट एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जब आप एप्सिलॉन को 1/2 की पावर के चूज करते हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा वो हम अज्यूम कर लेते हैं एन के, और इस एन के कोरस्पॉन्डिंग इस कोसी सीक्वेंस का जो फंक्शन मिलेगा उसको हम अज्यूम कर लेते हैं एफ एन के। तो इस कोसी सीक्वेंस की सबसीक्वेंस की जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, इस बात को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि एन टू एफ एन टू फंक्शन एफ एन वन फंक्शन के बाद आएगा, तो जब आप इस एन की जगह एफ एन टू पुट करते हो और एम की जगह एफ एन वन पुट करते हो, तो इस एलिमेंट की पीटीएच नॉर्म 1/2 से तो छोटा होगा, क्योंकि एन टू और एन वन दोनों ही एन वन पॉजिटिव रियल नंबर से बड़े या बराबर है। सिमिलरली, अगर आप यहां पर एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू पुट करते हो, इस एन की जगह हमने एन थ्री पुट किया, एम की जगह एन टू पुट किया, और इस एलिमेंट की पीटीएच नॉर्म फाइंड आउट करोगे तो 1/2 स्क्वायर से छोटी आएगी, क्योंकि हमने जो एन थ्री है वो पिक किया है एन टू से बड़ा। उम्मीद है आप इस कोसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ गए हो। अब हम आगे मूव करते हैं। जैसा कि हमने सब सीक्वेंस की टर्म्स को पिक ही इस हिसाब से किया कि जब एफ एन टू माइनस एफ एन वन की आप पीटीएच नॉर्म निकालोगे तो 1/2 से छोटा आएगा, एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू की पीटीएच नॉर्म निकालोगे तो 1/2 स्क्वेयर से छोटा आएगा, और सिमिलरली इसी बात को आप जनरलाइज कर सकते हो, एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन के का जब आप पीटीएच नॉर्म निकालोगे तो 1/2 की पावर के से छोटा आएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में हमने सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब थ्योरम के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम के सेकंड पार्ट में हम, जैसा कि मैंने आपको आउटलाइन में बताया, हम एक नई सीक्वेंस डिफाइन करने जा रहे हैं जिसके लिए सिंबल यूज किया है जीके। और जो जीके डिफाइन की है, अगर आप जीवन को कैलकुलेट करते हो तो जीवन होगा के की वैल्यू, यहां पर हम वन पुट करते हैं, एफ एन टू माइनस एफ एन वन। जी टू होगा समेशन आई फ्रॉम वन टू टू एफ एन आई प्लस वन माइनस एफ एन आई, और इस समेशन को आप ओपन करते हो तो एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू प्लस एफ एन टू माइनस एफ एन वन। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो जो जी टू फंक्शन है सीक्वेंस का जो सेकंड टर्म है वो जीवन फंक्शन से हमें एक्स के हर एक पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू देगा। तो आप इस फंक्शन को अज्यूम कर सकते हो जैसे कि आपको अगर एक्स के किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी है, जी के की किसी पॉइंट एक्स के किसी पॉइंट एक्स के ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो हम एफ एन आई प्लस वन की इसके हर एक एक्स पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालकर हम इस समेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो जीके सीक्वेंस हमने डिफाइन की है वो अपने आप में नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और मिजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, क्योंकि एफ एन वन एफ एन टू ये सारे के सारे मिजरेबल फंक्शन थे, और तो दो मिजरेबल फंक्शन का आप डिफरेंस लोगे तो फिर भी वो मिजरेबल फंक्शन रहेगा, और किसी मिजरेबल फंक्शन का आप मॉडुलस लेते हो तो फिर भी वो क्या रहता है, मिजरेबल फंक्शन ही रहता है। तो जी के सीक्वेंस मिजरेबल फंक्शंस की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
और जो जी फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस समेशन को ही हमने इनफाइनाइट समेशन कंसीडर कर लिया। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेप में हमने जी के सीक्वेंस को डिफाइन किया और एक जी फंक्शन को डिफाइन किया। अब जो बात नोट करने की है सेकंड स्टेप में, अगर आप एक्स के किसी पॉइंट के ऊपर जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो जैसा कि मैंने आपको जीके की कंस्ट्रक्शन के दौरान बताया, हम एफ एन आई प्लस वन एफ एन आई के साथ एक्स पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालकर हम इसका मॉडुलस लेंगे और समेशन को ओपन कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि जी ऑफ एक्स का जो आंसर है वो फाइनाइट आए, जी ऑफ एक्स का आंसर इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो हम अभी ये नहीं बोल सकते कि जी के सीक्वेंस इस जी फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, क्योंकि इस जी फंक्शन एक्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू इन्फिनिटी भी दे सकता है। तो जी को हमें फाइनाइट फंक्शन प्रूव करना होगा कि जी फंक्शन एक्स के पॉइंट्स के ऊपर हमें फाइनाइट वैल्यू देता है। इसके लिए हम इस जी के सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट की नॉर्म को फाइंड आउट करते हैं। और हम एक बात को और ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी जी के सीक्वेंस की टर्म बढ़ रही है, जैसे कि जी वन आपका एफ एन टू माइनस एफ एन वन के इक्वल का मॉडुलस के इक्वल है, जी टू आपका एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू का मॉडुलस प्लस एफ एन थ्री एफ एन टू माइनस एफ एन वन का मॉडुलस, तो हम देख पा रहे हैं कि जो जी टू जी के सीक्वेंस की जो टर्म है वो बढ़ती जा रही है और ये जी के सीक्वेंस इस जी फंक्शन को ही अप्रोच कर रही है। अगर जी के सीक्वेंस जी फंक्शन को अप्रोच करती है और इंक्रीजिंगली अप्रोच करती है, तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल ये यूज किया जाता है कि जी के सीक्वेंस इंक्रीजेस टू जी। अब हम इस जी के सीक्वेंस के हर एलिमेंट की नॉर्म को फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए हम मिंकस्क इनक्वालिटी का यूज करेंगे। जीके की पीटीएच नॉर्म, हम जीके की वैल्यू पुट करते हैं, जो जीके की हमने वैल्यू जीके जिस हिसाब से हमने फंक्शन को डिफाइन किया, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एफ एन आई प्लस वन माइनस एफ एन आई का मॉडुलस, सारे की पीटीएच नॉर्म। और जैसा कि हम इस पीटीएच नॉर्म को प्रूव करके आ चुके हैं कि ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम जानते हैं कि एफ वन प्लस जी वन का पीटीएच नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा एफ वन का पीटीएच नॉर्म प्लस जी वन का पीटीएच नॉर्म। तो जैसा कि इस ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को हम दो फंक्शन के सम के ऊपर ओपन कर सकते हैं, तो इसे फाइनाइट फंक्शन के सम के ऊपर भी इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू से ओपन होगा। और जैसा कि हमने सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट किया था, जब आप इस समेशन को ओपन करते हो, इस समेशन की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी एफ एन टू माइनस एफ एन वन का पीटीएच नॉर्म प्लस एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू का पीटीएच नॉर्म, ये इस तरीके से ओपन होगी। और एफ एन टू माइनस एफ एन वन का पीटीएच नॉर्म 1/2 से छोटा है, एफ एन थ्री माइनस एफ एन टू का पीटीएच नॉर्म 1/2² से छोटा है, तो हम इन सभी की वैल्यूज को पुट करते हैं और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू समेशन 1/2k से छोटा आ जाता है। और आप इस फाइनाइट समेशन को इनफाइनाइट समेशन से रिप्लेस कर सकते हो, समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी 1/2k। जैसा कि ये फाइनाइट समेशन है, इसके अंदर k ही टर्म है, इसको जब आप इनफाइनाइट समेशन से रिप्लेस करोगे तो ये जीपी बन जाती है और इस जीपी का सम जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप में हमने जी के सीक्वेंस को डिफाइन किया, जी फंक्शन को डिफाइन किया और हमने जी के सीक्वेंस की हर एलिमेंट की जो नॉर्म है वो शो कर दी कि उस एलिमेंट हर एलिमेंट की जो पीटीएच नॉर्म है वो 1 या 1 से छोटी है। तो फ्रेंड्स अब थर्ड स्टेप की तरफ अप्रोच करते हैं और थर्ड स्टेप में हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जी के सीक्वेंस है फंक्शंस की वो जी को इंक्रीज करती है, तो जी के की पावर पी भी जी की पावर पी को इंक्रीज करेगी। और अब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। एक बार हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि एफ के अगर मेजरेबल फंक्शंस की नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, और इस नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो फंक्शन एफ फंक्शन हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि एफ इस सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट है, तो हमें जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जानकारी देती है कि जो ये एफ फंक्शन है जो कि इन एफ के सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट है, ये मेजरेबल फंक्शन होगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक इस कंडीशन को बड़े ध्यान से समझते हैं, इस कंडीशन का ही हम हमारी थ्योरम के प्रूफ के अंदर यूज करेंगे कि अगर मैं इस एफ की वैल्यू पुट करता हूं, इंटीग्रेशन ओवर एक्स लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ के डी म्यू, ये थ्योरम हमें जानकारी देती है कि अगर आपके पास नॉन डिक्रीजिंग मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस हो और एफ फंक्शन को वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती हो और इस सीक्वेंस के सारे जो मेजरेबल फंक्शन है वो एक्स के पॉइंट्स के ऊपर नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करते हो, तो हम
लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इस थ्योरम का ही यहां पर यूज करते हैं। जैसा कि हमने जो जीके सीक्वेंस डिफाइन की है, इसे हम देख पा रहे हैं कि जीके सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नो नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। जीके सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलने का मतलब है कि एक्स के हर एक पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग हम एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं और मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है। तो जीके सीक्वेंस जिस फंक्शन को कन्वर्ज करेगी वो फंक्शन मेजरेबल होगा, इस बात का मतलब जो जी फंक्शन है वो मेजरेबल होगा और हम इंटीग्रेशन और लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने थर्ड स्टेप में मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज किया। लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी जी के इंटीग्रेशन जी के पावर पी इज इक्वल टू, ये हमने इंटीग्रेशन लिमिट को इंटरचेंज कर लिया है। और जब आप इसके ऊपर लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो जी के की पावर पी किसको इंक्रीज करेगा, जी पावर पी को, ये हमने यहां पर ऑब्जर्व किया था। तो फ्रेंड्स, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करने का फायदा क्या होगा, हम इस जी फंक्शन को फाइनाइट प्रूव करेंगे ऑन एक्स। जैसा कि जी के सीक्वेंस के हर एलिमेंट की जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल के, तो हम इस पीटीएच नॉर्म की ही वैल्यू पुट करते हैं। इस पीटीएच नॉर्म की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से इस इंटीग्रेशन का पीएच रूट अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये इंटीग्रेशन ही लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी को अप्लाई करते हैं। जब आप इस इनइक्वालिटी के ऊपर लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी को अप्लाई करोगे तो हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन के अंदर चली जाएगी और जीके की मॉडुलस की पावर पी ये जी का मॉडुलस की पावर पी बन जाएगी, क्योंकि जीके फंक्शन सारे के सारे नॉन नेगेटिव फंक्शन थे। तो हम मॉडुलस का यूज करें या ना यूज करें, इससे हमारी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का जो यूज है वो इस स्टेप में हमने किया है। और अब इस इनइक्वालिटी से हम देख पा रहे हैं कि जी की पावर पी का इंटीग्रेशन फाइनाइट है, और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइनाइट तभी होता है जब वो फंक्शन ही फाइनाइट हो। तो हम इस इनइक्वालिटी की हेल्प से हम श्योरली कह सकते हैं कि जो जी फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू अज्यूम करेगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस बात का मतलब एक्स के अगर किसी सबसेट के ऊपर जी फंक्शन हमें वैल्यू इन्फिनिटी देता है तो जो इस सेट का जो मेजर होगा वो जीरो होगा। अगर हम लिबेक मेजर यूज करते हैं तो एम ऑफ ई, और अगर हम आर्बिटरी मेजर यूज करते हैं तो म्यू ऑफ ई जीरो के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, जी फंक्शन एक्स के सबसेट के ऊपर फाइनाइट वैल्यू देगा, तो इस बात का ही हम यूज करते हैं कि जी फंक्शन फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन एक्स प्रूव हो चुका है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिस सबसेट के ऊपर जी फाइनाइट वैल्यू अज्यूम नहीं करता उस सेट का जो मेजर है वो जीरो है, और उस सबसेट को हम अज्यूम कर लेते हैं ई, और ई के कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट के ऊपर जो जी है वो हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। तो जो हमने जी की कंस्ट्रक्शन की थी, जी को हमने इनफाइनाइट समेशन डिफाइन किया था कि अगर आप ई कॉम्प्लीमेंट के किसी पॉइंट के ऊपर इस समेशन को कैलकुलेट करोगे तो जो ये समेशन है ये फाइनाइट होगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का मतलब जो जी के सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। जी के सीक्वेंस हमने डिफाइन की थी समेशन आई फ्रॉम 1 टू के जी एन आई प्लस 1 माइनस जी एफ एन आई प्लस 1 माइनस एफ एन आई मॉडुलस। ई कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट्स के ऊपर जी के सीक्वेंस इस जी फंक्शन को कन्वर्ज करती है, और ये जी के सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और हम रियल एनालिसिस के अंदर इस रिजल्ट को पढ़ते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो जब आप इस जी के सीक्वेंस की टर्म्स का मॉडुलस को अगर हटाते हो तो जो नई सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी। अब हम उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारी जी के सीक्वेंस थी। हम इस समेशन की हर टर्म के मॉडुलस को अब इस फंक्शन से रिप्लेस करते हैं, तो एफ एन टू माइनस एफ एन वन, जब आप इस समेशन को ओपन करोगे तो हम देख पा रहे हैं कि एफ एन टू टर्म्स ये इससे कैंसिल हो जाएगी और बीच की टर्म कैंसिल आउट होकर एफ एन के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म बचती है वो बचती है एफ एन के प्लस 1 माइनस एफ एन की। इस बात का मतलब फ्रेंड्स, अगर जी के सीक्वेंस ई कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट के ऊपर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम इस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस को अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करें तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, और हम देख पा रहे हैं कि एफ एन वन, और हम देख पा रहे हैं कि मॉडुलस
को रिप्लेस करने के बाद जो नई सीक्वेंस है वो अपने आप में है एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन वन। तो इस बात का मतलब ये जो सीक्वेंस है ये भी ई कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्जेंट होगी। अगर एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन वन, एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन वन, अगर ये ई कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट के ऊपर अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो इस बात का मतलब एफ एन के प्लस वन जो सीक्वेंस है वो भी पॉइंट वाइज ई कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि एफ एन वन वन में ये तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इससे इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एफ एन के प्लस वन हमने थर्ड स्टेप में ये प्रूव कर दिया कि जो जी फंक्शन है वो फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और एफ एन के प्लस वन एफ एन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अगर एफ एन के प्लस वन, जैसा कि मैंने आपको बताया एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन, अगर ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो एफ एन वन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एफ एन के प्लस वन भी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्जेंट है तो राइट हैंड साइड वाली फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। तो अज्यूम करते हैं कि एफ एन के की जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो एफ है, और इस एफ को हम अच्छे से समझते हैं। ई के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एफ एन के प्लस वन सीक्वेंस जिस फंक्शन को कन्वर्ज करती है उसको हमने अज्यूम किया एफ एक्स, और ई के कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर जो ई के पॉइंट है उन पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो सबसीक्वेंस है वो इस जीरो पॉइंट को कन्वर्ज करती है। इस जीरो में कोई खास बात नहीं है, आप इस जीरो को किसी भी फाइनाइट नंबर से रिप्लेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने एफ एन के प्लस वन सबसीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है एफ एक्स, कि ई कॉम्प्लीमेंट के ऊपर इस पॉइंट वाइज लिमिट का जो लिमिट फंक्शन होगा वो होगा लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन के ऑफ एक्स एफ एन के, और ई सेट के पॉइंट्स के ऊपर इस पॉइंट इस एफ एन के प्लस वन सबसीक्वेंस की जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी वो होगी जीरो फंक्शन। अब हम प्रूफ का जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमने एक फंक्शन की कंस्ट्रक्शन कर ली है एफ एक्स। अब शो करते हैं कि एफ आपका एल पी स्पेस से बिलोंग करता है, और जो कॉसी सीक्वेंस है एफ एन कॉसी सीक्वेंस है वो इस एफ को ही एल पी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करती है। अभी फ्रेंड्स हमने केवल ये शो किया है कि एफ एन के प्लस वन इस एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, हमने अभी एल पी स्पेस के अंदर इस सबसीक्वेंस को कन्वर्जन शो नहीं किया है। और एक बात और ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एफ एन के प्लस वन सारे के सारे मेजरेबल फंक्शन की सबसीक्वेंस थी, तो जो ये एफ एक्स है जो इन मेजरेबल फंक्शन को देखते हुए हमने एफ एक्स को डिफाइन किया है, ये एफ एक्स फंक्शन भी मेजरेबल फंक्शन जरूर होगा। अब हम शो करते हैं कि एफ जो फंक्शन है वो एल पी स्पेस से बिलोंग करता है, और एफ एन कॉसी सीक्वेंस इस एफ को एल पी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करती है। इसके लिए हम फिर से कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने एफ एन कॉसी सीक्वेंस को कंसिडर किया था, तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एफ एन माइनस एफ एम का पीटीएच नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इस पीटीएच नॉर्म की हम वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि है आपकी पीएथ रूट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ये भी आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा, और दोनों तरफ हम पावर पी को रेज करते हैं। जब हम दोनों तरफ पावर पी को रेज करेंगे तो इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ एन माइनस एफ एम का पावर पी लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एम एन। अब हम एम को फिक्स करते हैं, एम ग्रेटर देन एन हमने फिक्स कर दिया, एफ एम हमने कोई फंक्शन फिक्स कर दिया है, और जो हमने एफ एन के सबसीक्वेंस डिफाइन की थी इस एन को देखते हुए हमने इस सबसीक्वेंस की ट्रम पिक कर ली एन के, जो ये सिंबल एन के है ये आपका इस एन स्टेज से बड़ा है। हमने यहां पर दो काम किए हैं, हमने एफ एम फंक्शन को फिक्स किया है, और ये एम जो सफिक्स है ये इस पर्टिकुलर एन से बड़ा है, और जो एफ एन है इस एन को हमने एन के से रिप्लेस किया है, और ये एन के इस एन से बड़ा है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं, फिक्स एम ग्रेटर देन एन एंड हमने एन को एन के से रिप्लेस कर दिया है, और हमने एफ एम फंक्शन को फिक्स कर दिया, जहां पर जो एम है वो एन से बड़ा है, और जो एन के सफिक्स है वो पर्टिकुलरली जो एप्सिलॉन के कोरेस्पोंडिंग जो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला है ये एन के आपका इस पर्टिकुलरली इससे बड़ा है। तो फ्रेंड्स अब हम फातूस लेमा का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस इनइक्वालिटी के ऊपर फातूस लेमा की स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हैं। फातूस लेमा की जो स्टेटमेंट है कि
एफ एन अगर आपके पास कोई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस हो और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता हो, ये दो पॉइंट्स हमारे पास जरूरी होने चाहिए फातूज लेमा के रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए कि एफ एन कोई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस हो और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता हो। जो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसको अगर एक मिनट के लिए हम एफ फंक्शन अज्यूम करें एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम डोमेन के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो ये एफ फंक्शन है फातूज लेमा हमें बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो जो ये लिमिट फंक्शन है ये मेजरेबल होगा और हम इंटीग्रेशन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम एफ एन इस कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं। फातूज लेमा का जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन लिम इन्फ लेस देन इक्वल टू लिम इन्फ इंटीग्रेशन, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में इन्फिमम की कंडीशन नहीं थी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में हम इंटीग्रेशन और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन फातूज लेमा अगर कोई सीक्वेंस इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फातूज लेमा हमें बताता है कि इंटीग्रेशन लिम इन्फ इज लेस देन इक्वल टू लिम इन्फिमम ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो हम इस इंटीग्रेशन में फातूज लेमा का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने ये शो कर दिया कि जो एफ एन के सब सीक्वेंस है वो एफ फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्ट करती है। तो एफ एन के माइनस एफ इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप नई सीक्वेंस बनाते हो एफ एन के माइनस एफ एम, ये भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस बनेगी और ये एफ एम आपका फिक्स फंक्शन है तो ये भी पॉइंट वाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एम फंक्शन को कन्वर्ज करेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इस स्टेटमेंट के ऊपर फातूज लेमा का यूज करते हैं। तो फातूज लेमा का जो यूज है कि इंटीग्रेशन लिम इन्फ इज लेस देन इक्वल टू लिम इन्फ ऑफ इंटीग्रेशन और हम इसकी वैल्यू को ऊपर वाली इनक्वालिटी से वैल्यू को पुट करते हैं क्योंकि ये जो क्वांटिटी आपकी एप्सिलॉन रेज टू पावर पी से छोटा है तो इसके ऊपर जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि इसके अंदर तो एन यूज ही नहीं हुआ है तो ये एप्सिलॉन रेज टू पावर पी ही रह जाएगा और ये वाली साइड जो आपकी एप्सिलॉन रेज टू पावर लेस देन और इक्वल टू आ जाती है। हम इस लिमिट को अब इस मॉडुलस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम लिमिट को मॉडुलस के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो जब आप इस लिमिट को मॉडुलस के अंदर लेकर जाओगे तो लिमिट एंड लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी जो एफ एन के है वो आपका एफ फंक्शन बन जाता है, एफ माइनस एफ एम का मॉडुलस पावर पी सारे का इंटीग्रेशन इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी। फ्रेंड्स, हमने इस स्टेप में फातूज लेमा का यूज किया है क्योंकि एफ एन के माइनस एफ एम नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस थी और एफ एन के की हम पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करके आ चुके हैं जो कि एफ एक्स है, तो हमने उसका रिजल्ट का यूज किया और हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि इंटीग्रेशन ओवर एक्स मॉडुलस ऑफ एफ माइनस एफ एम रेज टू पावर पी इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी। इस बात का मतलब है फ्रेंड्स एफ माइनस एफ एम जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है और एफ माइनस एफ एम फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है क्योंकि एफ फंक्शन पहले ही हम प्रूव करके आ चुके हैं कि एफ मेजरेबल है, एफ एम क्योंकि एक फिक्स फंक्शन है ये भी मेजरेबल है और दो मेजरेबल फंक्शन का जो डिफरेंस है वो मेजरेबल होता है तो ये फंक्शन आपका एलपी स्पेस से बिलोंग करता है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल है और एफ माइनस एफ एम फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है और ये आपका एलपी स्पेस से बिलोंग करता है और एफ एम फंक्शन तो एलपी स्पेस से पहले ही बिलोंग करता था तो इन दो फंक्शन का जो सम है वो भी एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा क्योंकि एलपी स्पेस को हम वेक्टर स्पेस प्रूव करके आ चुके हैं। तो जो आप इन दो फंक्शन का जब आप सम करोगे तो हमें एफ फंक्शन मिल जाएगा, इस बात का मतलब जो एफ फंक्शन है वो एलपी स्पेस से बिलोंग करता है। अब लास्ट पार्ट में हम शो करते हैं कि जो एफ एन कॉसी सीक्वेंस है वो इस एफ फंक्शन को ही कन्वर्ज करती है, उसको हम इस इनइक्वालिटी से ही बड़ी इजिली प्रूव कर सकते हैं। अब इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड अब अगर आप पावर 1 बाय पी को रेज करते हो तो यहां पर केवल एप्सिलॉन रह जाएगा क्योंकि जो m है वो n से बड़ा हमने चूज किया है और फिक्स किया है। हम अब m को वेरी कराते हैं और यहां पर हम इस बात को अज्यूम करते हैं कि जो m है वो स्ट्रिक्टली n से बड़ा है। तो हम इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखते हैं कि ये तो अपने आप में पीटीएच नॉर्म में कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है कि फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n एफ एम माइनस एफ का पीटीएच नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट पार्ट में हमने दो बातें प्रूव करनी थी कि एफ फंक्शन शो करना था कि एफ एलपी स्पेस से बिलोंग करता है और ये शो करना था कि एफ एन सीक्वेंस एफ को कन्वर्ज करती है,
ये दोनों पार्ट एक साथ ही प्रूव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एलपी स्पेस को कंप्लीट स्पेस प्रूव किया, और एक बार और हम इस थ्योरम की प्रूफ की आउटलाइन को देखते हैं। सबसे पहले हमने कोसी सीक्वेंस की हेल्प से सब सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट किया। इस सब सीक्वेंस की हेल्प से हमने प्रूफ के सेकंड पार्ट में जी के सीक्वेंस डिफाइन की और एक जी फंक्शन को डिफाइन किया, और ये शो किया कि इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स की जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। थर्ड स्टेप में हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके ये शो किया कि जो ये जी फंक्शन है ये फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हमने ये शो किया थर्ड स्टेप में ही कि जो एफ एन के सब सीक्वेंस है वो एफ फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, और लास्ट स्टेप में हमने शो किया कि जो एफ फंक्शन है वो एलपी स्पेस से बिलोंग करता है और एफ एन सीक्वेंस इस एफ को एलपी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करती है। उम्मीद है साथियों आपको इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो अच्छे से समझ में आया होगा।